बिजली बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। पत्तियों का बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी संपत्तियों का हमें नहीं चलेगा। डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव CI2। आज पूरे देश में CI2 की तरफ से केंद्र सरकार के बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी पूरे देश में हड़ताल पर हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी CI2 के लोग और उपभोक्ता जो हैं, कंज्यूमर्स, वो सरकार की इस नीति के खिलाफ जो है आज हम यहाँ पर गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मानना यह है, अगर सरकार जो है बिजली बोर्डों को निजी कंपनियों के हवाले कर देगी तो उससे बिजली महंगी हो जाएगी और आम आदमी का बिजली बिल भरना मुश्किल हो जाएगा। राशन से भी ज़्यादा बिजली के बिल आया करेंगे। और अभी हमारे पास दिल्ली का उदाहरण है, कुछ और जगह का उदाहरण है जहाँ पर बिजली इतनी महंगी है कि वहाँ पर आम आदमी को बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो रहा है। और इससे जो है उद्योग धंधों पर भी असर पड़ेगा, कृषि पर भी असर पड़ेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब आदमी है वो अभी सरकार ने बिजली के बिल थोड़ा बढ़ाए हैं, वो उसको देने में अभी भी सक्षम नहीं है। और इसलिए सरकार जो नीति बना रही है पूरे देश के बिजली क्षेत्र को, बिजली क्षेत्र का मतलब है उद्योग भी, और अगर ये सारा प्राइवेट हाथ में चला जाएगा, उसकी चाबी प्राइवेट हाथ में चली जाएगी, तो ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा घातक होगा, देश के विकास के लिए भी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है उसकी दिवालिया नीतियों की वजह से, उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, इसलिए वो बिजली क्षेत्र को बेच रही है, रेलवे को बेच रही है, बैंकों को बेच रही है, बंदरगाहों को बेच रही है, हवाई अड्डों को बेच रही है, स्टील के कारखानों को बेच रही है, तमाम देश के जो संपत्ति है, जो लोगों के पैसे से बनी है, इसको सबको बेच रही है। बिजली बोर्ड जो है, जो आपके बड़ी संपत्ति है, बिजली बोर्ड की प्रोजेक्ट है, आपके सबस्टेशंस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनको सरकार जो है बेच देगी। और ये बुक वैल्यू के हिसाब से बेचेगी। बुक वैल्यू का मतलब है कि अगर 50 रुपये मरला किसी ज़माने में ज़मीन खरीदी है तो उसको 50 रुपये से भी कम में बेचेगी सरकार। और इसलिए जो है ये सरकार का नीति ना उपभोक्ताओं के पक्ष में है, ना कर्मचारियों के पक्ष में है, और ठेका और उसके आउटसोर्स के आधार पर कर्मचारी रखे जाएंगे, जिससे जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो इसलिए आज ये धरना जो है ये सरकार की इस नीति के खिलाफ कि बिजली बोर्डों को निजी क्षेत्र में ना दिया जाए, और ये सरकार जो है अदानी अंबानी को पूरे देश को सौंपना चाहती है, वास्तव में एजेंडा ये है। और इसलिए जो है आज हम इसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो आगे आंदोलन और बढ़ेगा पूरे देश में। आज CI2 की ऑल इंडिया लेवल पर कॉल है ये पूरे देश में। आज ये धरना जो है हमीरपुर में भी हो रहे हैं, शिमला में भी हो रहा है, मंडी में भी हो रहा है, हर जगह पर ये धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं CI2 के कार्यकर्ताओं द्वारा। और हमारा एकजुटता है बिजली के कर्मचारियों के साथ भी। बिजली बोर्ड का कर्मचारी हड़ताल कर रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं और हम महसूस करते हैं कि सरकार को इस विनाशकारी फैसले को पीछे हटना चाहिए, और अगर नहीं हटेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। और मोदी सरकार जो है कहती थी कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, आज वो सरकार देश को बेच रही है, बैंकों को बेच रही है, बीमा को बेच रही है, बंदरगाहों को बेच रही है, बिजली को बेच रही है, तमाम देश को नीलामी पर लगा दिया। और प्रधानमंत्री लाल किले से बोलता था, मिट्टी की कसम मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, आज वही प्रधानमंत्री देश को बेच रहा है। इसलिए ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस फैसले को वापस लें और ये बिजली के क्षेत्र को जो है आप ना बेचें, और बाकी क्षेत्रों को भी बेचने का जरूरत नहीं है। देश के बड़े उद्योगपतियों ने 12,00,000 करोड़ रुपए जो है वो कर्जे ले रखे हैं, उन कर्जों को वापस नहीं कर रहे हैं वो। अब सरकार जो है उन कर्जों को वापस तो ले नहीं रही है, और उन कर्जों को वापस ले लिया जाएगा तो बिजली बोर्ड को बेचने का जरूरत नहीं रहेगा, तब आपको बैंकों को बेचने का जरूरत नहीं रहेगा, तब आपको बीमा कंपनियों को बेचने का जरूरत नहीं रहेगा। परंतु सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को छूट देकर जो है उन कर्जों को वापस नहीं ले रही है, इसलिए देश दिवालिया हो रहा है। और देश दिवालिया, इस सरकार की नीति भी दिवालियापन की नीति है। सर, वर्ष 2021-22 का जो वित्तीय बजट है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वित्तीय वर्ष का तो परिणाम है सारा। वित्तीय वर्ष में तो सरकार ने क्या कर दिया, मनरेगा का बजट 43% कम कर दिया, ICDS का, आंगनबाड़ी का बजट 30% कम कर दिया,
और सारे देश में जहां विकास हो सकता था वो सारे देश को नीलामी पर लगा दिया। बैंकों का जो मैं आपको कह रहा हूं, बैंक जो है अगर घाटे में है क्यों है, एनपीए है, कर्जा ले रखा है बड़ी बड़ी कंपनियों ने, उसको वापस नहीं करते। और इसलिए जो है कृषि का बजट 6% कम कर दिया, सारा देश में जो है नीलामी पर लगा दिया पूरे देश को। इसलिए ये देश, ये विनाशकारी बजट है और देश में इससे तरक्की नहीं होगी। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 5 जो बड़े राजमार्ग हैं उनको बेचने का फैसला कर लिया। ये सरकारी पैसे से बने हैं सड़कें, उन सड़कों को बेच रही है सरकार। 5 बड़ी सड़कों को जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है उनको बेच रही है। अभी कह रहे हैं हम सड़कें बढ़ाएंगे, सड़कें बढ़ाएंगे लोगों के पैसे से, बेचेंगे उद्योगपतियों को। तो ये सरकार का नीति जो है देश के हित में भी नहीं है, जनता के हित में नहीं है, और इससे विकास नहीं होगा, विनाश होगा।